नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस समय हम झांसी के सबसे प्राचीन श्री श्री 108 श्री रघुनाथ जी महाराज जी के मंदिर में हैं। यह झांसी का शहर का हृदय स्थल बड़ा बाज़ार मानिक चौक में है, सराफा बाज़ार इलाका लगता है। मंदिर परिसर में सामान्य दिनों में धार्मिक गतिविधियां बहुत होती हैं, लेकिन इस समय कोरोना काल के चलते आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में बहुत शांति है। सिर्फ पूजा पाठ पुजारी जी कर रहे हैं। ये हमारे राम जी की वो प्रतिमा है जिसके बारे में हम आपको अभी पुजारी जी से कई रहस्य भरी बातें बताएंगे। राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और माँ सीता जी के साथ विराजमान हैं। यह भव्य मूर्ति है, आप इसके दर्शन करके निश्चय ही धन्य हो रहे होंगे। अब इस मंदिर का इतिहास और मंदिर की मूर्तियों को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं, रोचक बातें हैं, जो हम आपके पुजारी जी से बात कराएंगे। हाँ, मंदिर, ये मंदिर पंडित जी कितना पुराना है और उसकी क्या विशेषता है, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। शुरू से ये है कि पहले ये मंदिर नहीं था, अखाड़ा था जी। बलवंत नगर यहीं से स्टार्ट होता है नाम। अच्छा, झांसी का जो बलवंत नगर है, पुराना जो नाम है बलवंत नगर है झांसी का नाम जी। और इसी स्थान से जी, यहाँ पर ये हवा था जी, और प्राचीन मूर्ति वहाँ पर हनुमान जी की है, जो आज उनका सिंदूर उतर चुका है और नया सिंदूर चढ़ा है। वो माटी की है, सबसे प्राचीन झांसी में कोई भी स्थान नहीं था, केवल एक हनुमान जी महाराज थे के नाम केवल दो स्थान थे, हनुमान जी यहाँ से चार हैं और माटी की मूर्ति है, चूना की चूना मट्टी का कन्या की मूर्ति है वो। तो जब ये लोग आ गए, इनका क्या नाम, उन्होंने फिर मूर्ति चतुर्वेदी का मंदिर बनवाया। चतुर्वेदी का मंदिर बनवाने के बाद में हमारे जो पूर्वज थे, यहीं के रहने वाले थे, काफ़ी प्राचीन स्थान है। प्राचीन केवल पहले यही रहेंगे, एक सबसे जो ओरछा से आए थे जी, तो उनकी और हमारे ललित महाराज की मित्रता अच्छी हो गई। स्थान एक ही था, फिर इन दोनों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया सातों रात के कलेक्शन से। कछु अपनों भी कलेक्शन दिया और देने के बाद में इस स्थान का निर्माण हुआ। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों देवियाँ यहाँ पे स्थापित थी। गदर के टाइम पर जो रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पर गदर पड़ी थी, उसमें ये तीन मूर्तियाँ चली गई। एक मूर्ति हमारे जो पूर्वज से गाय महाराज अब दयाराम, उनकी मूर्ति सामने है, तो उन्होंने उस मूर्ति को जो ठाकुर जी की अंग्रेजी लेटरिन है उसमें लेके छुप गए। सात दिन सात रातें वहीं पर उन्होंने गुजारा। परिवार के सारे लोग सब भाग गए। सात दिन बाद देखा कि यहाँ पर कोनो मूर्ति नहीं है, केवल एक ही है। रघुनाथ जी को जो उन्हें बचा पाए थे उसको बचा ले। फिर कोई कहता है कि कृष्ण जी यहाँ बाहर नगाड़ खाने में विराजमान थे, कोई कहता है नटवली के पास थे, वहाँ से लेके यहाँ पे स्थापना की, तो और कोई स्थान था नहीं, तो यहीं पे जब से यहीं पे स्थापना है। हम इसका कहना बगवर सागर में एक लोधौरा में है, अच्छा, और एक ओरछा में। अच्छा, अब ओरछा वाली हम कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं जी, लेकिन हाँ ये चारों मूर्तियाँ एक ही कारीगर की हैं। अच्छा, चारों मूर्तियाँ एक ही कारीगर की हैं और एक ही ये चारों पहले यही थी,
चारों पहले यही थी, चारों मूर्तियां बैठक में बैठक खड़ी मूर्ति नहीं है, पालकी मार के बैठी है। अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ पर तीनों लोक है, ये युग है, ये किस प्रकार से क्या है थोड़ा सा बताएंगे? सत्ययुग चक्रवर्ती जी को मंदिर स्थापित भाव जी, फिर रघुनाथ जी को मंदिर स्थापित भाव जी, और फिर कृष्ण जी आ गए सत्ययुग द्वापर त्रेता, ये तीनों मूर्तियाँ विराजमान हो गई। और कल युग के हम लोग ऐसे हमारे खानदान के वह पूरे मंदिर में जाकर चले गए। ये सबसे प्राचीन दिखाएं बैठे हैं कि आप देख सकते हैं कि हमारे पुजारी जी ने बताया है मंदिर की विशेषता इतिहास के बारे में। झांसी का यह सबसे प्राचीन मंदिर है। झांसी जिसे सबसे पहले बलवंत नगर के रूप में जाना जाता था, झांसी का नाम था बलवंत नगर, जिस बलवंत नगर के बारे में जिसे आज हम झांसी कहते हैं, यह वो स्थान है झांसी के बलवंत नगर का जो कभी सबसे पहले और सबसे प्राचीन है। जैसा कि हमारे कई दुकानदारों ने भी बताया था कि ये जो बाज़ार है जिसे पसड़ वाली गली कहते हैं, ये रानी झांसी के समय से पहले की है। इस मंदिर का निर्माण जैसा कि बताया जा रहा है रघुनाथ राव प्रथम और द्वितीय ने कराया है। फिलहाल हमारे झांसी के लिए यह बड़ी गौरव की बात है और आपके लिए जानना, ये जो आप हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्रतिमा चूना मट्टी की बनी हुई है और सबसे प्राचीन है झांसी की, झांसी की सबसे प्राचीन प्रतिमा है। आप देख सकते हैं कितने भव्य रूप में है और कितने मोहक रूप है हमारे हनुमान जी का। ये पूरी तरह से सिंगल खड़ी हुई मूर्ति है, ऐसी मूर्ति शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। ये मूर्ति का एक रूप यह भी है, ये बाद में अपने समझी को खंडित हो गई, खंडित हो गई, जाए हटा के लाने के हमने जो नहीं हटे दूसरी। इसके बाद जैसा कि बता रहे हैं मूर्ति से सिंदूर हटने के बाद इस मूर्ति को दोबारा दूसरा बना के यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन ये सबसे प्राचीन झांसी की हनुमान जी की मूर्ति है। फिलहाल आपको मार्केट संवाद की है ऊपर, ये आप मूर्ति का ऊपर का हिस्सा देख सकते हैं कि ये कितना नक्काशी कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर नक्काशी है हनुमान जी के मंदिर में। तो आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, हमने रोचक जानकारी आप तक पहुंचाई है, आप हमें ज़रूर बताएं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।